संबंध में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। नॉर्थ जोन पुलिस की जानिब से तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन हुदूद में काउंसलिंग का अवेयरनेस प्रोग्राम अमल में लाया गया, जो शराब पीकर देर रात लोगों को परेशान करते हैं या दावत में गाने बजाते हैं, उन लोगों के साथ सख्ती से निपटने के लिए पुलिस ने यह शुरुआत की है और कहा कि जो भी इस तरह के काम करेंगे उनके ऊपर केस भी दर्ज किए जाएंगे। नॉर्थ जोन DCP बी सुमती ने क्राइम टुडे न्यूज से बात करते हुए तफसीलात बताई। मोहम्मद इमरान के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ट्रैफिक पुलिस जो दारू पी के व्हीकल्स में ट्रैवल करके जो एक्सीडेंट करने का मौका होता उसका काउंसलिंग करने के अक्सर देख रहे हैं। इसी हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर में भी इलेक्ट्रॉनिक पेटी के सिस्टम अक्टूबर 2016 में चालू है। उसी हिसाब में हर एक महीना एक पुलिस स्टेशन में अवेयरनेस कैंप लगाते। ये अवेयरनेस कम काउंसलिंग सेशन आज जो ओपन एरियाज पे बूजिंग करके उसके नेबर्स को, नहीं तो मोहल्ले वालों को, नहीं तो स्ट्रीट वाले को न्यूसेंस कर रहे हैं। एंड उसको जो लोग वैसे करके इलेक्ट्रॉनिक पेटी केस में जेल्स को गए एक दो दिन, नहीं तो सोशल वर्क के हिसाब से जेल को गए, नहीं तो पुलिस स्टेशन पे सोशल वर्क किए एज पर द पनिशमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स। वैसे लोगों को इधर जो अच्छे लोग हैं मगर और किसी का इबंधल गुड़तीन चले वाला किसी का वो वैसे लोगों को इधर आके हम मैसेज देने के प्रयत्न किए आज कि हम ऐसा नहीं करते, हमारे सिटी को सेफ और ऑर्डर रखने का एक मौका देने का। उसी हिसाब से हम एक मैसेज पूरा नॉर्थ जोन के पब्लिक को आज देने की कोशिश किए और पब्लिक ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट करके दे हैव गिवन अ मैसेज दैट वी आर फ्रेंडली टू देम एंड एट द सेम टाइम लॉ इफेक्टिव को कैसे यूज़ करें, ये अप्रिसिएशन इज़ अ बिग थिंग हमारे वास्ते। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।